हमारे पास मंजू जी कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स आई हैं, कुछ ऐसी चीजें हमारे पास आई हैं जिसके अंदर इसकी जितनी भी गेम है ना, और किन लोगों ने खेली है, इसको कैसे बुलाया गया है, और सचिन को जी ये बिल्कुल फंसाया गया प्लानिंग है, है, ये प्लानिंग भी आप है। देखो सचिन को ऐसा है, इन्वॉल्व सुनिए किया है। सुनिए, हाँ सुनिए सुनिए, सचिन जो है, सचिन को कठपुतली बना रखा है, कठपुतला बना रखा जी है। सुनिए, जी सचिन को इस कहानी के लिए तैयार किया गया है, नेत्रपाल का परिवार खरीदा गया है, नेत्रपाल के परिवार को तैयार किया गया है सीमा हैदर के लिए और ये कहानी बनाने के लिए। नेत्रपाल का परिवार, उसका चाचा का लड़का जो आज घर मकान बन चुका है, इन लोगों, इस परिवार को खरीदा गया है, इनको तैयार किया गया है। ये मुझे, ये प्लांटेड है पूरी, मतलब ये जो नेत्रपाल का पूरा परिवार है, और वही लोग आज बचा भी रहे। इतने बड़े अपराध में ये खुले मैदान में घूम रहे हैं और बेधड़क बोल रहे हैं, तो पूरा पावर इनके पीछे है। ऐसे मतलब ही नहीं होता, अरे कपड़ों में सुसु कर जाए आदमी, इतने बड़े क्राइम में, और कोई बचाने वाला ना हो तो। कानून तो वो चीज है, कपड़े में सुसु कर जाए आदमी जो है। हाँ इतना हम भी जानते हैं जी। उसमें इन्वॉल्व जी थे वो लोग, वहां पे वही लोग मौजूद थे जो उसमें इन्वॉल्व थे उसके केस में, आज तक सीमा हैदर केस में। बिल्कुल बिल्कुल, जाली शादी कर रहे थे, ये किस आ, आ, कु, 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 किस मिनिस्टर की बेटी है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि इसको भाई किससे खतरा था, और इसकी पूरी शादी में 50 लोग से ज्यादा लोग नहीं थे, या तो पूरा जी हिंदुस्तान जमा हो वहां पे इसकी शादी पे, तब सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। आज मैंने उनकी जी फुटेज भी लीक कर, वो पुलिस वाले आज तक नजर नहीं आए थे, वो 3-4 जो पुलिस के लोग हैं उनकी तस्वीर भी मैंने लगाई, पूरी वीडियो मैंने लगाई, और कल वो मैंने जी जी ढूंढी, क्योंकि मुझे यकीन था कि किसी ना किसी ने ऐसे कैमरा घुमाते हुए कहीं ना कहीं से वो लोग नजर जरूर आएंगे। जी नाक छुपाओ छुप नहीं सकता। जी, ये पूर्ण तरह से ये प्लानिंग है, ये तो हम शुरू से ही बोल रहे थे, ये प्यार वार कहीं नहीं है, ये पूरी गेम खेल रहे हैं, ये पूरी कहानी इन्होंने पहले, देखो ऐसा जी होता है ना, क्या होता है जैसे फिल्मों में क्या होता है, पहले जगह जगह सीनरी ले लेते हैं, फिल्म के लिए तैयार, हाँ राइटर फिल्म लिखता है, गाने लिखता है, पूरी तैयारी करता है, राइट उसके बाद फिर राइट उसको जो है प्रदर्शित करते हैं, ठीक है नहीं, उसके बाद फिर उसको रिलीज करते हैं जो है। वही कहानी सीमा बिल्कुल हैदर केस में भी हुई है, पूरी तरह से प्लांटेड है सब ये। इधर में इसको तैयार किया गया है, नेत्रपाल के परिवार को पूरा खरीदा गया है, उनको लालच दिया गया है, नेत्रपाल ने अपने बेटे को बलि का बकरा बनाया है। आपने देखा होगा एक बार जब ये छत में मीडिया वाले आए थे, तो सीमा हैदर से सवाल क्वेश्चन कर रहे थे मीडिया वाले, तो सचिन बार बार उठा रहा था तो उठ नहीं रही थी, तो उसके बाद सचिन कहता है, जब इनकी तू तू मैं कुछ हुई थी, थोड़ी सी बहस हुई थी मुझे लगता है 2 मिनट की, तो सचिन ने बोला था कि मैं सब तहस महस कर दूंगा, तो वहीं पे मैं समझ गई थी, मैं वहीं पे समझ गई थी ये कोई ना कोई ये कहानी है, ये जो है ये फिल्म पहले बन चुकी है, अभी ये सिर्फ प्रदर्शित कर रहे हैं इसको, और कुछ नहीं है। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि जब ये चीजें सामने आई, और दूसरी बात जो हैरत अंगेज बात थी वो ये थी कि ऐसा लग जी रहा था कि जैसे गिने चुने लोग इन्होंने चुने थे, कि ये 20-25-30 लोग होंगे, ये मीडिया वाले होंगे, ये पुलिस वाले होंगे, मतलब वो ओवरऑल मैंने, आप यकीन करें मुझे 2 दिन लगे हैं इन चीजों को करते हुए, कि शायद कहीं से कोई चीज मुझे नजर आए, लेकिन 30 से 40 लोग हैं जिन्होंने ये शादी जो है वो करवाई है। अरे ऐसा है ना, और आधे से ज्यादा लोग तो किराए के थे, आधे से ज्यादा लोग तो किराए में बुला रखे थे, थोड़ी बहुत भीड़ इकट्ठी करने के लिए। कोई इज्जतदार आदमी, कोई इस तरह के लोगों के बीच में कौन जाना चाहेगा। तो थोड़े बहुत तो वो एपी सिंह की करामात थी, वो एपी सिंह ने बुला रखे थे, दो चार पुलिस वाले थे, दो चार वो लोग थे जो इसकी लटके मटके झटके में आज भी पागल है, तो वही लोग थे वहां पे। कोई संपन्न लोग, कोई इज्जतदार लोग, कोई जो जिसे अपनी आन बान शान की जिसे वो होगी वो जाएगा वहां पे क्या, जिसे अपनी वो क्या इमेज डाउन करनी होगी वो बंदा जाएगा बिल्कुल, वहां, जिसकी कोई इमेज नहीं है वो बंदे गए वहां पे। तो एक और सवाल आपसे है, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। हमारे यहाँ जी पाकिस्तान में जब कोई मिनिस्टर या पॉलिटिशियन या कोई उसकी बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, तो उसके अंदर पुलिस की सिक्योरिटी लगाई जाती है, क्योंकि हुकूमती एक मामला होता है या जो कुछ भी होता है, तो और उसके बाद इजाजत ली जाती है, मतलब हुकूमत से इजाजत ली जाती है कि आज मेरे बेटे की शादी है और सिक्योरिटी के लिए मुझे पुलिस चाहिए, और फिर हुकूमत जो जी है उसको इजाजत देती है, तो फिर वो पुलिस आके तैनात होती है या उधर खड़ी होती है। अब सवाल ये मतलब है कि ऐसा है ना, देखो मैं जी बताती हूँ आपको,
पहली बात तो यह है, जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ जब किसी की भी शादी होती है तो उनको इजाजत लेनी पड़ती है, आम आम नागरिक की भी जब शादी होती है, जैसे आम जो होता है, जैसे एक होता है ना कि उच्च पद पे है या कोई राजनीति है, उनको तो चलो लेना ही पड़ता है भाई सुरक्षा के घेरे के लिए, प्लस जो आम नागरिक होते हैं उनको यहाँ इजाजत नहीं है कि वो मतलब कि वो परमिशन ले, ऐसे कोई वो नहीं है यहाँ पे, इस तरह की कोई नियम नहीं है, कहने का मतलब पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपने कहा कि इनको इन्होंने इस तरह से, इनको किस चीज का डर था, ये था वो था कि ऐसे शादी करीब 85 लोग थे, अरे डर तो फिर वही बात, चोर को तो हमेशा ही डर रहता है, वो तो चोर है तो हमेशा ही डर रहेगा, उसे डर किसका नहीं था भाई, जिसका यहाँ कोई वजूद नहीं है, जो यहाँ की नागरिक नहीं है, चोरी से आई है, शुरू से लेके सारे काम इल्लीगली है, मतलब सांस भी ले रही तो किराए की सांस ले रही भारत में जो है, तो चोरी तो चोर तो उसे उसे डर तो 24 घंटे ही है जो है, आप कह रहे डर किसका है, डर तो सारा ही है जो है। और दूसरी बात क्या है कि पुलिस वालों का, पुलिस वाले अगर उसके साथ में इन्वॉल्व है या पुलिस वाले उसकी मदद कर रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको यहाँ की पूरी नागरिकता मिल जाएगी, पूरा हर चीज में उसका यहाँ पे वो हो जाएगा, मतलब उसको पावर मिल जाएगी। पुलिस वाले एक अलग चीज है, पुलिस की बात एक अलग है, पुलिस वाले हर 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 काम में अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते, पुलिस की ड्यूटी जहां तक होती पुलिस वहीं तक ड्यूटी करेंगे जी, जब मामला जब कानून में जा चुका होता फिर वहां पुलिस भी कुछ नहीं करते, पुलिस फिर उनका रोल खत्म हो जाता पुलिस का यहाँ पे जी। जी वही चीज मीडिया को दिखाने के लिए नहीं बना रहे, जब से सीमा हैदर भारत में आई है, सीमा हैदर का जब से खेल शुरू हुआ है अब तक हर चीज मीडिया को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए तो हो रहा है, क्योंकि जब उसको यहाँ पे अपनी जड़ मजबूत करनी है तो हर चीज तो मीडिया को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं। अब वो सीढ़ियों में भी चल रही है तो एक हमेशा अवेलेबल रहता है कि उसके वीडियो बनाए, वो अगर खाना ऐसे ऐसे करछी हिला रही तब भी एक वीडियो बनाने वाला हमेशा वहां अवेलेबल है, मतलब हर गतिविधि की वीडियो उसमें देनी देनी है जी। मैं यही तो बात बोलती हूँ बार बार कि तू सारा कुछ तो देती, तू वॉशरूम में जब जाती वो क्यों छोड़ देती है, बस सारी चीज तो ये वीडियो बनाती है उसी चीज की छोड़ देती है वजह। अब वही अब मुझे तो लगता है कि वो जिस दिन आती है वो भी आने की तैयारी है, कहने का मतलब ये है ए टू जेड जो है वो सारा उसका जो मेन मकसद है सारा सोशल में दिखाना ही तो है, वही वीडियो नहीं ए टू जेड सारी वीडियो शुरू से लेके अब तक उसका मेन मकसद क्या है, सोशल में दिखाना ही तो है, दुनिया देखेगी, बच्चों को गोद में बैठा लेगी वो वीडियो भी दिखाना, दुनिया को दिखाना ही है कि मैं बच्चों से कितना प्यार करती हूँ, झंडा फहराना है, योगी की फोटो ऐसे लगानी है वैसे लगानी है, वो भी योगी जी को दिखानी है कि मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से कितना प्यार करती हूँ, मतलब ए टू जेड अगर मोदी की लगाएगी वो भी उसका भी मकसद है, इनका कोई भी पॉइंट जो है बगैर मकसद का नहीं है, कहने का मतलब ये है कि ये कोई भी गतिविधि करते हैं इनका उसमें कोई ना कोई अर्थ है, बगैर अर्थ के नहीं है, कहने का मतलब ये। बिल्कुल हमारे पास जो रिकॉर्डिंग आई है उसमें बकायदा इस चीज को बताया गया है कि सचिन जब इसकी जिंदगी में नहीं आया था उससे पहले 3 साल इसको समझाया गया, बताया गया, हिंदी की तालीम दी गई, और बाज दफा जो वहां सिंध में हिंदू लोगों के घर थे वहां इसका आना जाना भी था, वहां इसने सीखा कि क्या करना क्या करना, फिर इन्होंने इसको प्लांट किया, सचिन की फैमिली को फसाया, सचिन की फैमिली को इसलिए फसाया क्योंकि एपी सिंह जानता था कि ये बिल्कुल बेचारे फुकरे, इनके पास खाने को रोटी भी नहीं है, और नित्रपाल जो है वो माली है वहां पे काम करता है, तो उन्होंने कहा जवान बच्चा है इसको फसाओ, लाना मकसद था सीमा हैदर को इंडिया में, और उसके और उसके उसके साथ सीमा हैदर की अपनी मर्जी तो थी लेकिन यहाँ के लोगों ने भी तैयार किया है, पूरा प्लानिंग बनाया है, यहाँ पे सुनिए वहां से तैयार सीमा हैदर हुई, यहाँ से तैयार नित्रपाल का परिवार किया गया, ये पूरी एक कहानी बनाई गई है जो जिसको नहीं आता उसके बारे में सिखाया गया पढ़ाया गया। अदर भाई को भेजना भी इसी केस का जो है एक अहम अंग है, प्लानिंग 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 जी, उसके बाद इसको जो है यहाँ से हिंदुस्तान से किसी ऐसे घर में भेजा जाता है, किसी हिंदू महिला के घर में भेजा जाता है कि वहां हमारे रीति रिवाज सीखो, 1.5 साल उसको ट्रेनिंग मिलती है पाकिस्तान में, जो ये बोलती है ना कि पाकिस्तान में करवा चौथ का व्रत रखा ये रखा, वो हिंदू महिला जो है इसकी फ्रेंड है अभी भी, तो इन लोगों की प्लानिंग थी। अब प्लानिंग इसकी ऐसी नहीं थी, मैं आपको बताती हूँ, ये सिर्फ दोस्त थे, मैं मानती हूँ कि
वो इससे बात करता था, लेकिन इतने बातें नहीं करता था जितनी यहाँ फैलाई गई कि पबजी से लवजी ये कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं नहीं पबजी तो भारत में बैन था, पबजी तो बैन था बिल्कुल जी, पबजी तो भारत में बैन था हाँ, तो ये सब कुछ गलत है। तो एक बार क्या होता है कि ये अपने एपी सिंह जी जो है इनके फादर से बात करते हैं, सचिन के फादर से बात करते हैं, तो सचिन के फादर बोलते हैं कि सर क्या करूं, ये मेरा बेटा है, ये पाकिस्तान में किसी से बात करता है। अब उन्होंने बोला किससे बात करता है, मतलब उन्होंने मिलाया, उन्होंने ही सब कुछ उन्होंने ही किया, उन्होंने सीमा हैदर का नाम इनके सामने लिया, सीमा हैदर से राफ्ता पर लप्पू का उन्होंने किया, तब तक इनके घर वालों को नहीं पता था। अब क्या किया इन्होंने, उनसे मिला तो दिया, अब वो यहाँ इसको बोल दिया कि तू आ जा, जब इसने बोला था कि मैं उमरा करने जाऊंगी तो उसने बोला ऐसा करना उमरा करने बाद में जाना, पहले हिंदुस्तान आ जा, क्योंकि उसको पता था कि इसके पास ढेरों पैसे हैं। तो सचिन ने बोला कि इधर से आना, ऐसा करेंगे कि हम दोनों साथ चलेंगे, फिर कुछ दिन तुम यहाँ रहना। इसने वापसी की टिकट भी करवा रखी थी, भाई मैंने आपको भेजी है वापसी की टिकट इसकी, तो इसने वापसी की टिकट भी करवा रखी थी। तो आप यकीन कीजिए कि ये कुछ दिनों के लिए आई थी, इसके बाद इसने वापस जाना था, लेकिन जैसे ही इसकी बेल हुई, एपी सिंह जी आपको पता ही है वो तो ढूंढते रहते हैं कि कौन सा केस कैसा मुझे मिले, कहां मैं अपनी वो करूं पब्लिसिटी करूं। तो एपी सिंह जी और ये भी, ये इसके घर जो इसका घर चुना, ये भी इनको, इसको सब शुरू से पता है। ये जो नेत्रपाल क्षेत्रपाल बोलता है ना कि मेरे को कुछ पता नहीं है, इनके सारे घर वालों को पता है कि हमारा बेटा पाकिस्तान बात करता था,